क्षेत्रों से बहिला थाना क्षेत्र में जो अपना बॉर्डर एरिया है बालाघाट बॉर्डर एरिया लगता है वहाँ पर कुछ नक्सल गतिविधियों का पता चल रहा था। नक्सल दलम के वहाँ होने का हमें सूचना मिली थी और काफ़ी विश्वसनीय सूचना थी। इससे दो पार्टी जो हॉक ग्रुप हैं हमारे और साथ में छत्तीसगढ़ पुलिस का भी बल उसमें था छत्तीसगढ़ की तरफ से। ये ऑपरेशन छत्तीसगढ़ की तरफ से लॉन्च किया गया था और काफ़ी सटीक सूचना होने के कारण ये लोग नक्सल जो कैंप था जहाँ ये लोग खाना बनाते थे वहाँ तक पहुँचने में सफल हुए और नक्सलियों की तरफ से इसमें फायरिंग शुरुआत की गई वो हाइट पर से और हॉक फोर्स और छत्तीसगढ़ पुलिस ने भी इसमें जवाब दिया है। अभी कुछ देर पहले तक भी फायरिंग होने की सूचना हम लोगों को प्राप्त हुई है। अभी लगातार नक्सल कुछ वहाँ पर सामान छोड़ के भागे हैं जो पुलिस ने अपने कब्जे में ले लिया है और साथ ही हमारी जो एग्जिस्टिंग पार्टियाँ हैं वो नक्सल दल का पीछा कर रही हैं। अभी लगातार क्या क्या सामान नक्सल बरामद हुआ है? अभी सामान हमारे सामने नहीं आया है। सामान जो फोटोग्राफ मैंने देखा है उसमें नक्सल के पिट्ठू बैग हैं और कुछ जो रोज़मर्रा वाला सामान है साथ में जो साहित्य है कुछ खाना जो उन्होंने बना के रखा होता है। लगभग कितने नक्सलियों की जानकारी मिली वहाँ पर? मेरे अंदाज से 12 से 15 लोगों के होने की पुष्टि हो रही है। जो कुछ सामान मिला उसको देखते हुए 7-8 तो पिट्ठू बैग जो लोग छोड़ के भागे हुए हैं तो उससे तो ज़्यादा ही है। लगभग कितने राउंड फायरिंग की? राउंड अभी मुझे एग्जैक्ट संख्या तो काउंट करानी पड़ेगी पार्टी ऑपरेशंस में ही, परंतु जो जानकारी मिली और जितनी देर फायरिंग हुई उसके अराउंड 50 राउंड दोनों तरफ से। अभी सर फायरिंग और ये मुठभेड़ जो हुई है जी, तो इसमें जो नक्सली बता रहे हैं कि गोली वोली भी लगी है तो क्या लगता है सर कोई मर गया होगा या जिंदा है क्या है किसी? अभी इसका जब तक कि हमें वो सामने ऐसे सबूत ना मिल जाए तब तक कुछ कहा नहीं जा सकता है, परंतु जिस तरह से फायरिंग दोनों तरफ से हुई है पुलिस बल भी काफ़ी सुरक्षा खतरा उत्पन्न हुआ था, परंतु सभी ने अपना टेक्टिकल और सिखाए हुए तरीके से जो भी कार्रवाई की गई है तो हमारे ये कंफर्म हम कर रहे हैं कि अभी तक हमारे जो टीम गई थी उसमें पुलिस का जवान तो कोई हताहत नहीं है और जो सर्चिंग की गई उसमें सिर्फ सामान मिला है तो अभी तक कोई जो नक्सल रोड है उनमें से भी किसी का शव बरामद नहीं हुआ है। तो और भी सर्चिंग की जा रही है, लगातार नक्सल दलों का पीछा भी किया जा रहा है जिस तरह से वो भाग रहे हैं। साथ में हम लोगों ने 2-3 पार्टी और मध्य प्रदेश ने भी डाली हैं, छत्तीसगढ़ ने भी डाली हैं, जिससे कि भागने के रास्ते इनके बंद किए जा सकें। मेरे ख्याल से अगले 24 से 48 घंटे में और हमें इसमें क्लियर संयुक्त कार्रवाई भी चल रही है। बिल्कुल संयुक्त कार्रवाई ही हुई है, शुरुआत ही इस कार्रवाई की संयुक्त रूप से ही हुई है। इसमें जो सूचना आई थी वो हम लोगों ने शेयर की SP राजनांदगांव के साथ और इनफैक्ट हम लोगों ने ऑपरेशन ही छत्तीसगढ़ से लॉन्च किया। सर अभी किस क्षेत्र में चल रहा है? या मान लीजिए बहिला थाना क्षेत्र के अंतर्गत। सर बहिला के अलावा भी और क्या लगता है इधर जो